वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 23 में आपका स्वागत है। और 23 के अंदर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सिखाऊंगा जो अभी तक आपने देखा नहीं है, मगर ये क्वेश्चन बुक में है, दिया हुआ है। आप आरडीसी में सॉल्व करोगे उसमें भी आपको दिखेगा। तो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, चलिए मैं देख लेता हूँ कि एस ऑफ 15 मुझे ढूंढना है। फिलहाल मुझे एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें एन की वैल्यू रखने से आपको पूरी सीरीज मिलेगी। अब सम ऑफ टर्म ढूंढने के लिए, सम ढूंढने के लिए मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने से मुझे एन की वैल्यू क्या मिल रही है, 15 मिल रही है। इट मीन्स हमारा जो लास्ट टर्म है वो हमारा ए 15 होगा और फर्स्ट टर्म हम ए ढूंढ लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए 15 और ए 1 ढूंढना होगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका सम ढूंढ सकते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म और 15 वाला टर्म ढूंढ लेता हूँ। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, y ऑफ n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n और y ऑफ n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, ठीक है। अब y ऑफ 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 1, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो मेरा फर्स्ट टर्म आ गया 4, राइट ओके। अब y ऑफ यहाँ पे 15 था क्योंकि 15 तक का सम करना था, मुझे लास्ट टर्म 15 बनाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 15। y ऑफ 15 इज इक्वल टू 9 माइनस 15, 15 5 जा 75। y ऑफ n इज इक्वल टू 75 में से 9 माइनस कर लीजिए आप, y ऑफ 15 इज इक्वल टू ये करीबन हो जाएगा 64 माइनस में, राइट अगर मैं सही हूँ तो शायद से 64 नहीं होगा, 66 होगा, ओके फाइन। तो ये हो गया आपका, मैं कट कर लेता हूँ इसको, 66 हो गया, राइट अब मैं क्या करूँगा, सम ऑफ 15 टर्म इज इक्वल टू 15 बाय 2 ए प्लस एल, राइट। अब वाई सम ऑफ 15 टर्म इज इक्वल टू 15 बाय 2, यहाँ पे ए मेरा 4 था और प्लस करके माइनस करना पड़ेगा, 66 हमारा लास्ट टर्म था। एस ऑफ 15 इज इक्वल टू 15 बाय 2 4 माइनस 66, एस ऑफ 12 इज इक्वल टू 15 बाय 2 ये हो जाएगा 62 माइनस में, एस ऑफ 12 इज इक्वल टू इसको कट करेंगे 31 आ जाएगा, 15 इंटू माइनस 31 एस 12 इज इक्वल टू चेक कर लेते हैं 31 इंटू 15 31 5 जा 5 5 3 जा 15 5 6 4 माइनस 4 6 5। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में गलती हो, तो आप बड़े बच्चे हो इसको करेक्ट करके चलना, आई थिंक सो राइट है, ओके फाइन। तो इस तरीके से आप इस सीरीज का सम कराओगे तो आपको माइनस में आंसर मिलेगा। तो मिलते हैं पार्ट 24 में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।